और चले बढ़ते हैं आगे। एमबीएम यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला प्रोफेसर के सस्पेंशन के बाद भी शांत नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है और इस दौरान पीड़ित छात्राएं भी सामने आई हैं। उन्होंने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुलकित गुप्ता के कारनामे बयां किए हैं। छात्राओं ने शिकायत करते हुए बताया कि वो छात्राओं को गलत तरीके से टच करता था, उसकी हरकतों से छात्राएं बहुत परेशान हैं। छात्राओं ने यह भी कहा है कि जब वो विरोध करती थी तो प्रोफेसर कहता था कि वो पिता की तरह टच कर रहा है। आरोपी प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है, फिर भी छात्राओं की मांग है कि प्रोफेसर को टर्मिनेट कर दिया जाए। गर्ल स्टूडेंट कह रही हैं कि हमने सब कुछ लिख कर दे दिया लेकिन पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है, हम उसे अपने डिपार्टमेंट में नहीं चाहते हैं। इस प्रकरण का खुलासा करने वाले छात्रा ने यह भी कहा कि उसके साथ पिछले साल जून में प्रोफेसर ने गलत हरकत की थी, जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो मेरे साथ बदसलूकी हुई, क्लास में मुझे जलील करने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि यूनिवर्सिटी में छात्राओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला उजागर होने के बाद अब 38 स्टूडेंट शिकायत कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद आर्किटेक्चर विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पुलकित गुप्ता को निलंबित कर दिया है। अभी विस्तृत जांच भी जारी है लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोफेसर को टर्मिनेट करने को लेकर अड़े हुए हैं। उनको इसके लिए विभिन्न छात्र संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। हमें हर बार टच करते हैं कमर पे, कंधों पे, कहीं पे भी। लेटर रिटर्न में लेटर देना, हमने वो लेटर दिया, हमने मौखिक भी जवाब दिए रखे हैं, बट उसका अभी कोई है ना, कहा है कि 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे टाइम पे टाइम बढ़ाया जा रहा है और उस चीज का कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि ये चीज करीबन हुई काफी टाइम पहले से, शिकायत पिछले ट्यूसडे को करी गई थी और अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और हमें बोला गया था कि हम 7 दिन या 6 दिन में ना रिजल्ट दे देंगे, उसका कोई परिणाम नहीं है।